Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, प्रकाश राजभर जब से इंडिया का हिस्सा हुए हैं उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में जब घोसी उपचुनाव पर सीटें की चर्चाएं हो रही है, वहां पर दोनों तरफ से कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। इस कड़ी में ओम प्रकाश राजभर घोसी पहुंचे थे और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जो बात कही वो वाकई चौंकाने वाली थी और पूरे देश में वो बात चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बात करें तो प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साध कर ये कहा था कि उनको अगर हम सैफई नहीं पहुंचा दिए तो हम असली माँ बाप का औलाद नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना निचतम स्तर का बयान है। हालांकि जो भी है, ओम प्रकाश राजभर ने तो ये बयान दे दिया, लेकिन अब बयान पर तमाम चर्चाओं के बाद अब अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है कि ओम प्रकाश राजभर को मिर्ची लग जाएगी। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल ने शुक्रवार को भारत एक चैनल है समाचार, उसके खास बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर जो है वो किसी लायक नहीं है। राम गोपाल ने भारतीय जनता पार्टी को राय देते हुए कहा कि बीजेपी को जीती हुई सीटों पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जीती हुई सीट भी हार जाएगी। बीजेपी ने 2022 में घपला चुनाव में कर लिया था, इसलिए जीत गई, लेकिन इस बार टिक नहीं पाएगी। इंडिया पर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी को खदेड़ देगी। ओम प्रकाश राजभर पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए सपा महासचिव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जितना बोलेंगे उतना हमें ही फायदा होगा। पहले योगी के लिए बोलते थे, अब अखिलेश यादव के लिए बोल रहे हैं। राजभर हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर को हम लोग सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि घोसी उपचुनाव को लेकर राजभर पर हमला करते हुए कहा कि घोसी चुनाव के बाद भाजपा ओम प्रकाश राजभर को लात मारकर बाहर निकाल देगी। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को अवकाश पता चल जाएगा। वहीं राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष के बदले जाने को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने काफी दिनों तक एक मजबूत आदमी को अध्यक्ष बनाया है। अजय राय अपने क्षेत्र में मजबूत नेता हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर जिस तरीके से राम गोपाल यादव ने बयान दिया उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।